हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह बहुत बेहतर होंगे। चलिए आज हम आपके लिए जो रेसिपी लाए हैं वो थोड़ा नई टाइप की रेसिपी है। जब आपके कुछ समझ में ना आए क्या बनाना है तो झट से इसको बनाइए। बेसन की फुल्की का सालन बहुत जल्दी बन जाता है। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने 2 कप बेसन ले लिया है। अब इसमें सॉल्ट ऐड करते हैं, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून। अब इसका गाढ़ा घोल बना लेंगे। 1 पिंच इसमें सोडा डाल देंगे जिससे फुल्की हमारी सॉफ्ट फूली फूली बनेंगी। 1 पिंच ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना फुल्की हमारी फूट जाएंगी। इस तरह इसका गाढ़ा घोल बना लेंगे। 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी इसमें ऐड कर देंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसको अच्छे से फेंट लेंगे। 5 मिनट तक इसको अच्छे से फेंटेंगे। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं जिससे आपको नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। एक पैन में हमने मस्टर्ड ऑयल गर्म कर लिया है। मेक श्योर कि ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। अब इसमें हम फुल्की डाल देंगे। अब एक साइड से ये गोल्डन हो गई, इसको पलट देंगे। जब तक मेरी फुल्की हो रही है, चलिए इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने कढ़ाई ले ली है, इसमें ऑयल डाल लेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। फुल्की मेरी तैयार हो गई है, ऑयल भी मेरा गर्म है। अब इसमें हम ये अनियन काट देंगे, डाल देंगे थोड़ी सी, इसलिए मैंने काटी थी। इसको हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। प्याज मेरी गोल्डन ब्राउन हो गई है। इसमें 2 बड़े साइज़ के हमने अनियन और जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले लिया है। इसको अच्छे से पका लेंगे 5 मिनट तक। 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, कोरिएंडर पाउडर 2 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर। अब मसाले को अच्छे से भून लेंगे। एड सम गरम मसाला 1/2 टीस्पून, मसाला मेरा अच्छे से भून गया है। ये देखिए ऑयल ऊपर आ गया है, इसको अच्छे से और भून लेंगे। मसाला अच्छे से भून गया, अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। आप चाहें तो थोड़ा पानी और ऐड कर दें। पानी मैंने इसलिए आपसे बोला है डालने के लिए क्योंकि फुल्की पानी सारा ऑब्जर्व कर लेगी। इसको अब एक खोल आने देंगे। पानी में एक बॉयल आ गया, अब हम इसमें फुल्की डाल देंगे। अब हम इसको लो फ्लेम पे लिड से कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए पका लेंगे। फुल्की का सालन मेरा तैयार है, अब रेडी टू सर्व है। चलिए इसको बोल में निकाल लेते हैं। फुल्की का सालन तैयार हो गया है, इसमें ऊपर से थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई करिए, बहुत टेस्टी यम्मी बनती है और आसानी से बन जाती है। अगर आपको पसंद आए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।